पीलीभीत में नगर पालिका बोर्ड बैठक में चेयरमैन का घेराव कर सभासदों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के पीलीभीत में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में आज कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन का घेराव कर पालिका कर्मचारियों व सभासदों ने जमकर हंगामा काटा व ठेके पर तैनात कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन न मिलने पर आपको बता दें बीते दिनों हाल ही में ठेका कर्मचारियों की पालिका प्रताड़ना के चलते एक कर्मचारी की मौत हो गई थी जिस पर मुकदमा दर्ज कर अभी जांच चल रही है। तो वहीं आज बोर्ड बैठक में कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। पालिका की बोर्ड बैठक में देखा गया हंगामा काटा, चेयरमैन का घेराव किया, क्या है पूरा मामला? उसका कारण यह है कि जो प्राइवेट कर्मचारी है हमारे, जिनकी तनख्वाह 10,200 रुपए है, उनको मात्र 4,500 रुपए मिलते हैं और 6-6 महीने से उनका वेतन नहीं मिलता है। गरीब परिवार है, क्या करेंगे, वो आत्महत्या भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इससे पहले भी एक हादसा ऐसा हो चुका है, देखा गया, कर्मचारियों ने कहा कि अगर वेतन नहीं दिया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं शिकायत की आपने, लिखित रूप से मांग की, अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो धरने बैठेंगे और क्या करेंगे। बोर्ड की बैठक थी, किस तरीके का सत्र रहा? हंगामेदार रहा। जो हमारे अकाउंटेंट हैं त्रिपाठी जी, वो इसका पूरा जो है डिटेल समझाने में नाकाम रहे, तो काफ़ी बवाल हुआ। आपत्तियां दर्ज कर दी गई हैं सभासदों द्वारा, जो आपत्ति दी गई है, और इन आपत्तियों का जवाब जो है वो अगले बैठक में इनको दे दिया जाएगा। मैम, बिजली कर्मचारियों का कहना है अगर वेतन नहीं मिला तो आत्महत्या? नहीं, ऐसा मैं उनसे बुला के पर्सनली बात करूँगी, अभी तुरंत बुलाऊंगी उनको, और उस ठेकेदार को भी बुलाया जाएगा, समस्या का समाधान कराया जाएगा, और अगले जब जैसे ही राजवित आता है तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं निकलवाने की पूरा करवाऊंगी। बल्कि निकाले जाने के कारण जहर खा लिया था, हाँ, उसकी जांच चल रही है, और ये आरोप जो है गलत है। वैसे मेरी पूरी सिंपैथी है उसके परिवार के साथ, उसके वाइफ के साथ भी, उसके बच्चों के साथ भी, लेकिन वैसे उनका पारिवारिक झगड़ा था और उनको काम से निकाला नहीं गया था।